आपको बता दूं कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में न जाने कितने ही लोग हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं और इस समस्या से वो दिन प्रतिदिन जूझ रहे हैं। ये परेशानी दिनों दिन लोगों में बहुत तेजी से फैलती जा रही है। हाई बीपी से राहत पाने के लिए अधिकांशतः लोग महंगी दवाओं और महंगी थेरेपी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप अपनी रसोई में ही इस्तेमाल होने वाली दालचीनी का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी के यूज से न केवल हाई ब्लड प्रेशर बल्कि और भी कई बीमारियों को बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ दालचीनी के यूज करने के तरीके के बारे में जानने की और दालचीनी के प्रयोग करने की। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि दालचीनी का सेवन हाई बीपी को कंट्रोल करने में कैसे कारगर है, फिर इसके बाद जानेंगे कि दालचीनी का सेवन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहली बात है कि दालचीनी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत तेजी से कम किया जा सकता है। आपको बता दूं कि दालचीनी में प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन बी और मैग्नीशियम के तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप दालचीनी का सेवन करते हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल को आसानी से कम कर सकते हैं। इसके साथ ही पाचन तंत्र में भी आराम मिलता है और शरीर में जमा फैट कम होता है। दालचीनी प्रयोग करने का जो दूसरा फायदा है वो है कि ब्लड वेसल्स को इससे आराम मिलता है। हाइपरटेंशन में आपकी ब्लड वेसल्स पर अधिक दबाव पड़ने लगता है, ऐसे में दालचीनी के सेवन से आपकी नसों को आराम मिलता है और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही सही तरीके से होने लगता है। दालचीनी प्रयोग करने का जो तीसरा फायदा है कि इसमें पोटेशियम बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है। आपको बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सोडियम की मात्रा को संतुलित रखना होता है, यानी कि सोडियम का कम सेवन करना होता है और पोटेशियम का ज़्यादा सेवन करना होता है। ऐसे में आप दालचीनी को उबाल कर इसका पानी पी सकते हैं क्योंकि दालचीनी पोटेशियम से भरपूर होता है। दालचीनी का सेवन करने का जो चौथा फायदा है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ब्लड प्रेशर के कारण कई बार ऐसा होता है कि मस्तिष्क की यानी कि ब्रेन की नसों में सूजन आ सकती है, इससे आपको ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आप दालचीनी का सेवन कर सकते हैं क्योंकि दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो मस्तिष्क में या शरीर के अन्य हिस्सों में भी जो नसों में सूजन होती है उसे ये दूर करता है। आइए अब जान लेते हैं कि दालचीनी का सेवन करने का सबसे बेस्ट 5 तरीके कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम दालचीनी सेवन के 5 तरीकों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी तरीका आपको सूट करे आप उसे इस्तेमाल में लाकर बहुत कम समय में ही अपनी हाई बीपी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दालचीनी प्रयोग करने का जो पहला तरीका है कि दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे एक गिलास पानी में भिंगोकर छोड़ दीजिए और सुबह में उस पानी को पी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका बीपी कंट्रोल होगा। रात भर भिंगोए रहने से होता यह है कि दालचीनी का जो तत्व है वो पानी में मिल जाते हैं। दालचीनी प्रयोग करने का जो दूसरा तरीका है कि आप शाम में दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लेकर एक गिलास पानी में उसे 5-7 मिनट तक उबालिए, फिर उसे छान लीजिए। जब वो पानी हल्का गुनगुना रह जाए तो उसे आप पी लीजिए। इससे भी आपका बीपी कंट्रोल होगा। दालचीनी प्रयोग करने का जो तीसरा तरीका है कि दालचीनी को आप पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए, फिर आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 चम्मच शहद में मिलाकर खा लीजिए। इससे भी आपकी बीपी कंट्रोल होगी। दालचीनी प्रयोग करने का जो चौथा तरीका है कि आप अपने भोजन में, सलाद में या फिर रायता में जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसमें दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर मिला लीजिए। और दालचीनी का प्रयोग करने का 5वां तरीका है कि दालचीनी की चाय बनाएं और उसका सेवन करें। दालचीनी का चाय बनाने के लिए आप 1.5 कप पानी को आग पर उबालिए और उसमें दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा या पाउडर डाल दीजिए और 5-7 मिनट तक उबलने के बाद इसे छान लीजिए और जब यह हल्का गुनगुना हो जाए तब उसमें 1 या 2 चम्मच अपनी इच्छा अनुसार शहद मिला लीजिए, फिर उसे घुट घुट कर आराम से धीरे धीरे पीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। अब इनमें से जो भी तरीका आपको पसंद आया हो, जो हमने 5 तरीके बताए दालचीनी के प्रयोग करने का, आप उसको अमल में लाकर अपने हाई बीपी की समस्या से बहुत कम समय में राहत पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये छोटी सी जानकारी आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। अगर आयुर्वेदिक घरेलू इलाज से संबंधित ऐसा वीडियो देखना आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।